नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज। कुख्यात अपराधी लटोरी यादव के ठिकानों पर मारा छापा। भगवान भरोसे चल रहा है भागलपुर का भगवान पुस्तकालय। शहर की धरोहर बन गई है पार्किंग जोन। रद्दी खरीदने के बहाने बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। वृद्ध महिला से छीने जेवरात। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोस्ट वांटेड मौसम यादव सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। हथियार बरामद। और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने पीजी हॉस्टल का किया औचक निरीक्षण। अवैध कब्जा हटाने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर मंगलवार को सिटी डीएसपी राजवंश सिंह के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस ने कुख्यात अपराधी लटोरी यादव के घर पर छापेमारी की। इस दौरान अपराधी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। दरअसल एसएसपी ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है, जो अपराधियों के ठिकाने पर लगातार दबिश दे रही है। मंगलवार को पुलिस केंद्र से छापेमारी के लिए पुलिस का काफिला निकला, जो कोयली खुटहा स्थित अपराधी लटोरी यादव के घर पहुंचा। इस दौरान सिटी डीएसपी ने लटोरी यादव के परिजनों से पूछताछ की। सिटी डीएसपी ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर में आपने सड़कों पर अवैध रूप से वाहन पार्क होते तो जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां पिछले कई माह से चंद रुपए की खातिर वाहनों की अवैध पार्किंग कराई जा रही है और शहर की धरोहर को ही लोगों ने पार्किंग जोन बनाकर रख दिया है। दरअसल भागलपुर के महावीर प्रसाद द्विवेदी रोड नया बाजार में 7 दिसंबर 1913 को भगवान पुस्तकालय में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था और हजारों लोगों ने इस पुस्तकालय में जाकर ज्ञान अर्जित किया। वहीं परमंडलीय पुस्तकालय में आज भी कई दुर्लभ पांडुलिपि और पुस्तकें मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन एवं साहित्यकारों की उदासीनता के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा है। इधर कुछ लोग गलत तरीके से वाहनों की पार्किंग कर इसकी शोभा बिगाड़ रहे हैं। भगवान पुस्तकालय के समृद्ध इतिहास और वर्तमान स्थिति को देखकर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव बम्बम प्रीत ने सोशल मीडिया के जरिए पुस्तकालय में हो रहे अवैध पार्किंग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बम्बम प्रीत ने कहा कि शहर की विरासत पर भू माफियाओं की नजर है, इसीलिए पुस्तकालय को बचाने का प्रयास प्रशासन एवं गाँव शहर के बुद्धिजीवियों को करना चाहिए। भागलपुर का एकमात्र भगवान पुस्तकालय जो की परमंडलीय पुस्तकालय है, इनसे निकले हुए रत्नों न जाने पूरे विश्व में कहां कहां अपना नाम रोशन कर रहे होंगे, भागलपुर सहित पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे होंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जहां सरस्वती का वास होना चाहिए वहां लक्ष्मी पुत्रों का कब्जा हो चुका है, कबूतर खाने बन चुके हैं, गैरेज बन चुके हैं। आखिर हम शहरवासियों से पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों, और उनमें कुछ चंद बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिनके की सरस्वती वहीं से उनको प्राप्त हुई है, वो भी अपना सरस्वती लक्ष्मी के हाथों बिक चुकी है। हमको तो ये आशंका है और प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि कहीं वो पुस्तकालय किसी भूमाफिया के हाथों में ना पड़कर उस पे बिल्डिंग बन जाए। वहीं भगवान पुस्तकालय के सचिव डॉक्टर आनंद कुमार झा ने बताया कि सरकार की ओर से साल में पुस्तकालय को मात्र 50,000 रुपए मिलते हैं। इतने कम रुपए में परमंडलीय पुस्तकालय का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता है। वहीं ट्रस्टी डॉक्टर आनंद कुमार ने कहा कि आसपास के लोग पुस्तकालय चलाने के लिए सहयोग राशि देते हैं, जिससे पुस्तकालय में प्रतिदिन अखबार, मैगजीन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मंगाई जाती है। डॉक्टर आनंद ने कहा कि अवैध वाहन पार्किंग का मुद्दा उठाकर कुछ युवा नेता पुस्तकालय को बंद कराना चाहते हैं। यहाँ भगवान पुस्तकालय में किसी तरह की पार्किंग नहीं हो रही है। ये जो कहा जा रहा है मीडिया वगैरह में, ये जो खबर आ रही है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। दो चार गाड़ियां हैं जो कि अगल बगल अपने समाज के जो भगवान पुस्तकालय के इर्द गिर्द रहते हैं, वही 4-5 गाड़ियां हैं। वो एक हम भगवान पुस्तकालय के विकास के रूप में, इस भगवान पुस्तकालय को विकास के रूप में, इसके कुछ जो पैसे इससे आते हैं उसे हम यहाँ के विकास में खर्च करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि साल भर में इस भगवान पुस्तकालय को, प्रमंडली पुस्तकालय को चलाने के लिए मात्र 50,000 रुपये की राशि हम लोग को मिलती है। इसमें साल भर हमें अखबार है, मैगजीन है, इलेक्ट्रिसिटी है, सफाई है,
ये सब करने में आप जान सकते हैं कि घर नहीं चल सकता है 50,000 रुपये में। तो एक इतना जो प्रत्येक महीने हमारे ऊपर अखबार और मैगजीन का खर्च है वह लगभग 7 से 8 हज़ार रुपया महीना है। तो ये दो कुछ चूँकि ये कुछ पैसे आ जाते हैं जो भी बहुत पर्याप्त है, ये जो तथाकथित लोग हैं, ये लोग जिनका कि हमसे व्यक्तिगत किसी अन्य संस्थान से भी मैं जुड़ा हूँ, यहाँ भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम हूँ, किसी न किसी रूप में ये लोग काम करने करवाने मेरे पास अवैध काम कराने आते हैं, और जिसे कि मैं लीगल रहने पर करता हूँ और अनलीगल होने पर सीधा रिफ्यूज़ करता हूँ, वही लोग इसको सोशल मीडिया में प्रचारित कर रहे हैं, भ्रामक खबर दे रहे हैं। क्योंकि इस भगवान पुस्तकालय आज 113 वर्ष से ऊपर हो चुका है। लॉकडाउन में छूट मिलते ही शहर में लूटपाट की घटना बढ़ गई है। ताजा मामला भीकनपुर गुमटी नंबर 2 का है। मंगलवार की सुबह दिनदहाड़े रद्दी पेपर खरीदने के नाम पर दो बदमाश एक घर में घुस गए। इस दौरान दोनों बदमाशों ने घर में मौजूद वृद्ध महिला की गला दबाकर सभी जेवरात लूट कर फरार हो गया। वहीं पीड़ित महिला सुभद्रा देवी ने लुटेरों का विरोध भी किया, लेकिन दोनों बदमाश लूटपाट की घटना को अंजाम देकर निकल गए। घटना की सूचना मिलते ही साक्षक थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पीड़ित महिला से ली। थाना अध्यक्ष ने कहा कि बदमाशों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर पीड़ित महिला सुभद्रा देवी ने बताया कि मंगलवार की सुबह 11 बजे दोनों बदमाश बटखरा ढूंढने के बहाने घर में घुस गए और गला दबाकर नाक और कान में पहने जेवर खींचकर फरार हो गए। पेपर बेचे थे, उसके बाद वो पेपर सब लेके चला गया। 2 घंटा के बाद वो आया, 2 घंटा के बाद आया झूठो हमको बोलने कि मेरा बटखरा छूट गया आंटी। हम बोले नहीं तुम्हारा बटखरा रे, हम वहाँ पर साफ किए धुए, कहाँ था बटखरा रे, जा तुम लोग भागो न रे, हम नहाएंगे भागो न रे। नहीं भागा, उसके बाद ऐसे गुरुर गुरुर करते रहा। यहाँ पर हम कराते बरंडा पर, बरंडा पर नहीं कुछ किया, घर में घींच के ले गया और टोटा चीप दिया, टोटा चीप के कान का नाक का घींच लिया और ब्लाउज से गला बांध दिया। उसके बाद वो जो है दोनों छीन के भाग गया। कितना लोग था? 2 गो था। नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या, लूट, रंगदारी जैसी संगीन घटनाओं में फरार अपराधी मौसम यादव को उसके सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को नवगछिया एसपी निधि रानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए अपराधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एसपी निधि रानी ने बताया कि कुख्यात अपराधी सिंटू यादव अपने सहयोगियों के साथ दियारा क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीपीओ परवेंद्र भारती के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इस दौरान टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों द्वारा बोलेरा बहियार में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मौके से कुख्यात अपराधी मौसम यादव और सत्तन कुमार को दबोच लिया, जबकि कुख्यात अपराधी सिंटू यादव फरार हो गया। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने एक ऑटोमेटिक राइफल, एक मैगजीन, एक देसी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसपी ने बताया कि सिंटू यादव पर पुलिस जिला नवगछिया के विभिन्न थानों में 10 मामले दर्ज हैं। वहीं एसपी ने कहा कि गश्ती के दौरान भवानीपुर पुलिस ने एक अपराधी को देसी कट्टा एवं गोली के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि छापेमारी टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। एसडीपीओ नवगछिया के नेतृत्व में गोपालपुर थानाध्यक्ष, भीपुर थानाध्यक्ष, झंडापुर थानाध्यक्ष, नदी थाना, खरीक थाना, इनका ये थानाध्यक्ष, इनका फोर्स और लाइन से हम लोगों ने कुछ जो कि हमारा रेडिंग पार्टी का टीम है वहां से उसका फोर्स भेजा गया। तो रात्रि में वहां पर जो 8 या 9 की जो रात्रि है वहां पर बलरा बहियार में पूरी जो ये रेडिंग पार्टी है इनके द्वारा वहां पर रेड किया गया, जिसमें सिंटू यादव तो फरार हो गया लेकिन उसका जो साथी है मौसम यादव और सत्तन कुमार, जो मौसम यादव है वो खरीक का ही रहने वाला है जहां का कि सिंटू यादव और पप्पू यादव है, और जो सत्तन कुमार है वो नदी थाना के अंतर्गत पड़ता है उसका गांव, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक रेगुलर राइफल मिला है, एक देसी कट्टा है और .315 का 12 गोली इनके पास से बरामद हुआ है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी छात्रावासों का औचक निरीक्षण मंगलवार को रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने किया। रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण के दौरान उनके साथ DSW राम प्रवेश सिंह, PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर और विश्वविद्यालय के अभियंता मोहम्मद हुसैन मौजूद थे। रजिस्ट्रार ने निरीक्षण के दौरान पीजी हॉस्टल, शौचालय एवं स्नान घरों का जायजा लिया। वहीं हॉस्टल के वार्डन ने रजिस्ट्रार को बताया कि वॉशरूम के छत से पानी टपकता है
और कई कमरों का दरवाजा एवं खिड़की टूट गया है। इधर रजिस्ट्रार ने अभियंता मोहम्मद हुसैन को छात्रावास के जर्जर हो चुके चार दीवारी को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। साथ ही रजिस्ट्रार ने हॉस्टल में लगे प्यूरीफायर को दुरुस्त करने एवं नलों में टोटियां लगाने की बात कही। कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह ने पीजी बॉयज हॉस्टल में चल रहे अवैध मेस को बंद कराने और 24 घंटे के भीतर संचालक को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया था। इसको लेकर मंगलवार को जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई।
संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में खलीफाबाग चौक से रैली निकाली गई, जो मुख्य बाजार होते हुए स्टेशन चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान रैली में शामिल स्कूली बच्चों ने आम लोगों से स्वदेशी सामानों को अपनाने की अपील की, साथ ही लोकल उत्पाद की खरीदारी करने पर जोर दिया। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि लोगों के मन में लोकल सामान को लेकर भ्रम है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, पर ब्रांड के पीछे भागने वाले लोग दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर अजय ने शहरवासियों से लोकल उत्पादों की खरीदारी करने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की बात कही। ये जो हम लोग लोकल में सामान बनता है, लोग भाष की दृष्टि से देखते हैं, उसको है की दृष्टि से देखते हैं, वो मान के चलते हैं कि इसका क्वालिटी खराब है, वो टेस्ट भी नहीं करते हैं, उपयोग भी नहीं लाते हैं और ऐसे ही समझ जाते हैं कि लोकल है, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन यह सही नहीं है। आप ब्रांडेड के पीछे पड़े हुए हैं और देश का सामान, देश का पैसा विदेश जा रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को आरक्षण टिकट रद्द कराने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, साथ ही कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था। टिकट रद्द कराने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। वहीं काउंटर पर मौजूद सभी लोगों को रिफंड का पैसा वापस किया गया। दरअसल लॉकडाउन के कारण 23 मार्च से ही ट्रेनों का परिचालन थम गया था, जिसके बाद मई और जून माह में आरक्षित टिकट को रद्द कराने के लिए रेलवे ने 22 मई से एक टिकट काउंटर को चालू कर दिया। वहीं अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद से ही टिकट रद्द कराने के लिए आरक्षण काउंटर पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। हालांकि रेलवे पुलिस द्वारा लोगों से दूरी बनाकर रहने की अपील भी की गई, लेकिन लोगों ने पुलिस की बात को अनसुना कर दिया। हम जहां जा रहे थे दिल्ली जा रहे थे, तो उसमें उसके बीच में लॉकडाउन लग गया, जिसके वजह से हमारा टिकट रद्द हो गया और ट्रेन चल नहीं पा रही है, और उसके बाद फिर ट्रेन चल नहीं पा रही है तो फिर हम टिकट कैंसिल करा रहे हैं। इस वजह से हम टिकट कैंसिल करा रहे हैं, जिसके हमें वहाँ पर भी कोरोना वायरस का ज़्यादा असर हो रहा है, इसलिए हम टिकट कैंसिल करा रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आप लोगों को इससे डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य में प्रतिदिन कोरोना अस्पताल एवं कोविड-19 केयर सेंटर से मरीजों को छुट्टी दी जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक तरफ जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग कोरोना से जंग जीत रहे हैं। इधर मंगलवार को भागलपुर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बनी कोरोना वायरस सेंटर में भर्ती 11 मरीजों ने कोरोना को मात दे दिया। सभी मरीज भागलपुर जिला के ही हैं, जिसमें से 4 सुल्तानगंज और 7 कहलगांव के मरीज हैं। खास बात यह है कि कोरोना को मात देने वालों में से 2 महिलाएं भी शामिल है। वहीं कोरोना से जंग जीत चुके मरीजों के सम्मान में मौके पर मौजूद चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर सबों का अभिनंदन किया। डॉक्टरों ने बताया कि स्वस्थ हुए सभी मरीजों को 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। भागलपुर में जो कोविड केयर सेंटर है, यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, उसमें टोटल आज के डेट में 44 भर्ती थे, जिसमें से आज 11 को प्रथम बार आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। वो लोग एसिम्प्टोमेटिक था और उन लोगों का जो सैंपल जांच में गया था वो नेगेटिव आया है। नेगेटिव आने के बाद उन लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है, 7 दिन का होम क्वारंटाइन में रहेगा, दवा दे के उसको भेजा जा रहा है। कोरोना काल ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मंगलवार को अपनी आंख जांच कराने एक युवती अपने पिता के साथ नया बाजार स्थित गरीब नवाज क्लिनिक पहुंची, जहां मौजूद कर्मियों ने युवती से पहले मास्क खरीदने, उसके बाद अंदर प्रवेश करने की बात कही, जबकि युवती ने अपने पूरे चेहरे को दुपट्टे से ढका हुआ था। इस दौरान कुछ देर तक दोनों के बीच नोकझोंक चलती रही। युवती ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना से बचाव के लिए उसने दुपट्टा लगा रखा था, लेकिन क्लिनिक के कर्मी उस पर मास्क खरीदने का दबाव बना रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया था। पूरे मामले को लेकर डॉक्टर गौतम अग्रवाल ने बताया कि युवती पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया था, चेहरे पर मास्क नहीं देख कर्मियों ने मास्क लगाने की बात कही थी। जब मैं यहाँ पे आई थी, यानी कि पुराना चिट्ठा है, इससे पहले एक बार आए थे तो फिर इसी तरह से आए थे स्टॉल, और मेरे पापा भी आए थे, तो फिर वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया कि आप मास्क लीजिए, ही लेना आपके लिए कंपलसरी होगा। लेकिन आज ना प्रेशर डाला गया कि नहीं, आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो फिर मैं उनसे पूछी, ये कितना लेयर का है और आप जो मेरा देख रहे हैं वो कितना लेयर है, आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। तो फिर वो बोली नहीं नहीं आपको लेना ज़रूरी होगा, एक मैम थी आगे, तो फिर उन्होंने प्रेशर डाला। जबकि वैसे ऐसी बात नहीं थी कि मैं नहीं ले सकती थी यहाँ पे, जबकि पहले अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने तो वो पहले ही हमें बोल चुके हैं कि एक सिंपल सा गमछा भी आप उससे अपने फेस को, अपने नोज को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल ही गलत है, पेशेंट उसको दूसरे तरीके से ले लेता है, हमें पैसा लेके मास्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने मास्क को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हम लोग मास्क का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते थे,
और हम लोगों ने देखा ये ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट अंदर मास्क लेके आया, मास्क अंदर में पहना और बाहर जाके वो नाली में डाल देता था। तो चक्कर क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर आप फ्री देते हैं तो उसका उस चीज़ का ना तो उस आदमी को वैल्यू होता है और ना किसी तरीके से उसको ठीक से रखने का इज्जत रहता है। इसीलिए एज ए टोकन जो हम लोग का कॉस्ट आता है उसके हिसाब से हम लोगों ने एक वो रखा कि चलो कम से कम पेशेंट उस मास्क की इज्जत करेगा, क्योंकि मास्क अभी पहनना बहुत ज़रूरी है। भागलपुर चंपानगर कुम्हार टोला लेन में सोमवार की देर रात एक चोर को चोरी करते घर वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार कस्बा टोला निवासी मोहम्मद फुरकान चोरी करने दीपक रजक के मकान में चारदीवारी फांद कर प्रवेश कर गया और घर में रखा सामान चोरी करने लगा। तभी घर में सोए दीपक की नींद खुल गई और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं शोर शराबे की आवाज सुनते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई, जिसके बाद लोगों ने चोर को नाथनगर पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मोहम्मद फुरकान चोरी की आरोप में पूर्व में भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला में मंगलवार की दोपहर अचानक दो घरों में आग लग गई। इस दौरान घर के आंगन में बंधा एक मवेशी आग की चपेट में आकर झुलस गया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। घर के मालिक ऋषिकेश यादव एवं संतोष यादव ने बताया कि आग कैसे लगी यह अब तक पता नहीं चल पाया है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज, कुख्यात अपराधी लटोरी यादव के ठिकानों पर मारा छापा। भगवान भरोसे चल रहा है भागलपुर का भगवान पुस्तकालय, शहर की धरोहर बन गई है पार्किंग जोन। रद्दी खरीदने के बहाने बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, वृद्ध महिला से छीने जेवरात। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोस्ट वांटेड मौसम यादव सहयोगियों के साथ गिरफ्तार, हथियार बरामद। और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने पीजी हॉस्टल का किया औचक निरीक्षण, अवैध कब्जा हटाने का दिया निर्देश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।